कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए? हरिद्वार आए थे जी भाई साहब। कैसा मौसम है यहाँ पे, आपको कैसा दिख रहा है? मौसम तो ठीक है। तो जैसे अभी आपको किसी आदमी को सजेशन देना चाहिए कि अपने इतनी गर्मी में यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, नॉर्मली दिन ऐसे ही रहते हैं सब। तो कभी भी आओ, मतलब भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए तो 24 घंटे 12 महीने आपको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, चलो देखते हैं अभी और यात्रा वात्रा करते हैं आगे चल के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने अमृतसर की यात्रा आपको कराई थी, तो अब हम नेक्स्ट यात्रा पर चलते हैं फैमिली के साथ में हरिद्वार। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि हम कोई भी नई यात्रा करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। हरिद्वार यात्रा में हम जानेंगे वहाँ पे प्रसिद्ध फेमस स्थल घूमने के कौन कौन सी जगह हैं, कितना किराया है, कहाँ का क्या टिकट है, कहाँ पर किस मौसम में जाना चाहिए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। घर पर अभी हैं, तैयारी हो चुकी है, तो अभी निकलने वाले हैं। दोस्तों हमारी जो यात्रा है वो गाजियाबाद से शुरू होगी और हरिद्वार हम लोग जाएंगे। तो बात करते हैं ट्रेन की, तो बहुत सारी ट्रेनें हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आप IRCTC की साइट पर जाकर देख सकते हो। 2 बजे भी ट्रेन है, 4 बजे भी है, 6 बजे भी है, सुपर फास्ट ट्रेन भी है, और जैसे आपको उचित लगे आप ऐसी ट्रेन ले सकते हो। गाजियाबाद से ले सकते हैं, मोदीनगर से, मेरठ से भी आप ट्रेन ले सकते हैं, और अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से भी बहुत सारी ट्रेनें हैं। आपके टाइम के अकॉर्डिंग जो ट्रेन सूट करती है वो ट्रेन आप ले सकते हैं। बात करें डिस्टेंस की, तो 160-165 किलोमीटर के आसपास गाजियाबाद से हरिद्वार पड़ता है, और गर्मियों में तो हरिद्वार जाने वालों की लाखों की संख्या में तादाद होती है, तो आप इस मौसम में जा सकते हैं। फैमिली के साथ, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो गाजियाबाद से हरिद्वार कैसे जाएं, कहां कहां देखेंगे हम लोग। तो हरिद्वार में जाने के बाद आप कहां रुक सकते हैं, आपको सस्ता और कहां मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको होटल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वो चीज़ें भी दिखाऊंगा। तो चैनल में बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए जाने से पहले। फाइनली दोस्तों अब हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, टिकट वगैरह ले लिया है, फैमिली अभी वेटिंग कर रही है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फैमिली ट्रेन का इंतज़ार कर रही है बैठी हुई, और यहाँ से निकलेंगे हम लोग, मिलेंगे आपको हरिद्वार स्टेशन पर। उसके साथ साथ बीच में रास्ते की वीडियो भी मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो ये पहला सफ़र है जो हरिद्वार को ट्रेन के द्वारा हम लोग निकल रहे हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, देखते रहिए वीडियो, पूरी हरिद्वार जर्नी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मोदीनगर से चलते चलते अब हम आ चुके हैं रुड़की। ये हरिद्वार से कुछ 35 किलोमीटर के आसपास है, तो अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन आपका रुड़की के बाद हरिद्वार का ही मिलता है, तो अब हम आपको हरिद्वार के स्टेशन पर ही मिलेंगे। तो अभी रुड़की से चलने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ में, देखते हैं हरिद्वार में जाकर अब ट्रेन कितने समय, यहाँ से कोई 20-25 मिनट का टाइम लगेगा, कुछ 20-50 किलोमीटर के आसपास। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर, उतर चुके हैं, तो अब देख रहे हैं अभी हम रेलवे स्टेशन पर हैं, रेलवे स्टेशन बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद हम चलेंगे हरिद्वार की हर की पौड़ी की तरफ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है। भीड़ भाड़ काफ़ी है, लोग गर्मियों की छुट्टियों में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर यात्रा करने के लिए, कोई फैमिली के साथ, कोई बच्चों के साथ में। तो अपने बच्चों को अगर साथ में लेके आए तो उनका हाथ ना छोड़ें, क्योंकि भीड़ इतनी है कि आपके बच्चे खो भी सकते हैं, तो आपको उनको ढूंढने में काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा आपको हरिद्वार स्टेशन के भी दिखा देता हूँ आपको। तो मेरे पीछे मुसाफिर आ रहे हैं बहुत दूर से, तो ये आए हैं हरिद्वार की यात्रा करने के लिए, चलो इनसे बात करते हैं एक बार। ये भाई साहब ये देखिए कितनी बड़ी हनुमान जी की विशाल तस्वीर है, और यहाँ पे ये होटल है, होटल ले रो
और ये उत्तर रेलवे। होटल की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, काफ़ी चारों तरफ देख रहे हैं होटल है, और होटल के बाद अब देख रहे हैं ये हम रेलवे स्टेशन से बाहर ही निकले हैं अभी, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। तो अभी रेलवे स्टेशन निकलने के बाद आप चाहो तो यहाँ से 10 रुपये लेगा हर की पौड़ी जाने के लिए, मयूरी भी ले सकते हैं, और आप चाहो तो बाजार घूमते हुए पैदल भी निकल सकते हैं। तो हरिद्वार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।